कि 10 साल से प्रदेश में जो सरकार थी इनका काम आपने देख लिया, दिल्ली में 10 साल से बीजेपी की सरकार है उनको भी हमने देख लिया, पूरे देश में माहौल बदलाव का है, इस बदलाव में आपको भागीदार बनना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये चुनाव शर्मा जी विधायक बने ना बने इस बात का चुनाव नहीं, ये चुनाव देश में जो माहौल बना हुआ है भाजपा के विरोध में और कांग्रेस के पक्ष में, ये उस माहौल को आपकी आहुति देनी है, आपको योगदान देना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की, और ये तो दिल्ली से लगता हुआ इलाका है, इन सारे गांव में सब लोगों में जानता हूं आसपास के क्षेत्रों को, आपके क्षेत्र में जो इन सालों में पिछले कई समय से काम नहीं हो सके, हमारी सरकार बन जाएगी, आपके जो जो गांव के विकास के काम है उन सबको विधायक महोदय हम मिलकर आपके बीच में कराएंगे। और आज आप देखो हरियाणा में लोकसभा के चुनाव हुए, यहां पे 10 सीटें थी, भाजपा वाले बोलते थे 300 पार, 400 पार, 500 पार, हरियाणा में 10 में से 5 सीट कांग्रेस पार्टी जीती, और राजस्थान में मैंने 11 सीट इनको हरा दी है। इनका जाना तय है साथियों, लेकिन इस चुनाव में हमें हमारी पार्टी को देखना है, विचारधारा को देखना है। और आप लोग समझदार लोग हो, मैं तो किसी के विरोध में कभी कुछ बोलता नहीं, लेकिन हमारी वोट जो है वो खराब नहीं करनी, जो हमारी वोट जहां लगे, जहां उसको हमको फायदा हो, क्षेत्र को फायदा हो, इलाके को फायदा हो, प्रदेश को फायदा हो, इसलिए हमारी एक एक वोट की कीमत है। किसी की दोस्ती है, किसी का पड़ोसी है, किसी की रिश्तेदारी है, लेकिन ये बड़ा चुनाव है। इस चुनाव में जब राज कांग्रेस का बनने जा रहा है, जब जीत हमारी पार्टी की निश्चित है, तो आप लोग उस जीत के हिस्सेदार बनो, ताकि पंडित जी पे एहसान धरा रहे हमारा कि आप जिता के भेजो उनको। इसलिए आपके बीच में एक जुझारू व्यक्ति, और मैंने इनको काम करते हुए देखा है, क्षेत्र की जनता के लिए, यहाँ की सेवा करने के लिए श्रद्धा भाव से आपके बीच में आते रहते हैं। अभी 2-3 दिन का समय बचा है चुनाव प्रचार का, मैं चर्चा कर रहा था, मैंने कहा भाई इनके यहाँ जाना है मुझे NIT में वोट मांगने, तो मैंने आज का दिन चुना है क्योंकि आज पंडित जी का जन्मदिन है। अब वैसे तो मैंने कागज में क्या लिखा है, लेकिन मैं 55 के आसपास तो होगी, 53 हेलीपैड पे कह रहे 52, यहां तक आते 53 हो गया। इनको जन्मदिन का तोहफा देना है, तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़कर बोल दो कांग्रेस पार्टी को जिता के भेजना है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आप लोग विश्वास दिलाता हूं, जब राज कांग्रेस का बनेगा हम सबके दरवाजे आपके लिए खोले रहेंगे। 10 साल से यहाँ बीजेपी का शासन था, इन्होंने किसानों को तंग किया, लाठी गोली चलाई, सैकड़ों किसानों की शहादत हो गई, हमारे पहलवान धरने में बैठे रहे वहां पर। तो सब लोगों को साथ लेकर चलने वाला अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। इसमें जात पात धर्म के नाम पर बीजेपी ने जो वोट मांगे आज तक सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, बाकी खाद बीज बिजली सड़क पानी निवेश उद्योग रोजगार इनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारी पार्टी में पूरे देश में आज एक सशक्त विपक्ष बना है, और जो भाजपा के नेताओं के चेहरे पर रौनक थी ना, वो रौनक चली गई है। आने वाला समय देश भर में कांग्रेस पार्टी का होने जा रहा है, और शुरुआत हरियाणा से होगी। मैं कल उधमपुर जम्मू में था, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन हरियाणा में इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, और मैं तो कहता हूं 90 में से 70 पार जाएगा इस बार आंकड़ा। लेकिन देखना यह कि पूरे फरीदाबाद जिले में सबसे बड़ी जीत हो तो हमारे छोटे बड़े भाई की, छोटा बड़े भाई अब मेरे, क्योंकि मैं जानता हूं नौजवान हो बुजुर्ग हो माताएं बहने हो, सब लोग उसको पसंद करते हैं जो बिना भेदभाव के काम करता है। और मैंने देखा है जब तक विधायक यहां पर रहे आपके बीच में कोई जात पात धर्म जाति भेदभाव पक्षपात बिना किए आप सबकी सेवा करी है। इसलिए मैं सारे काम छोड़कर आज पाली में आप लोगों के बीच में आया हूं, ये महत्वपूर्ण इलाका है और इस गांव की महक पूरे क्षेत्र में फैलती है। तो आज के बाद इनकी जो लगाते हैं बोली बाली सट्टा पट्टा लगाते जो, वो सब पार हो गया, इनकी जीत सुनिश्चित है कि नहीं है? है तो मुट्ठी भीज के दोनों हाथ में दुबरे खड़े कर लो ऐसे करके, और मैं जा नारा देना जोर से, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आप सबका धन्यवाद, और आपके सामने बोल के जा रहा हूं, सुन लो, आपके सामने बोल के जा रहा हूं, नीरज जी के सामने, चुनाव तो आप जीतोगे लेकिन आपको भी जैसा हम लोग कहेंगे वैसे इन सब लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। पंडित जी का हाथ खड़ा करके बोल रहा हूं, ठीक है भाई साहब, शिकायत का मौका नहीं दूंगा, शराध चल रहे हैं ना, शराध में बामन जजमान ने नाराज करे और ना जजमान बामन ने नाराज करे।
इनकी नैया पार लगा दो, जीतने के बाद दोबारा कुछ बड़ा इनको पद मिलेगा, पर दोबारा आपके बीच में आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।